Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. अगर फ्रेंड्स आपके पास है सैमसंग का गैलेक्सी A04s, इस फोन में करना चाहते हो आप कॉल रिकॉर्डिंग को, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कॉल रिकॉर्डिंग आप इस फोन में कर सकते हैं। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आप तीन अलग अलग तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग को कर पाएंगे। इनके बारे में चलिए जानते हैं किस किस तरह से करना है। तो आपका जो डायलर रहेगा इसको इस तरह से ओपन कीजिए, ऊपर को थ्री डॉट पर क्लिक करके चले जाइए सेटिंग में। सेटिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड कॉल का एक ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स। इसको इनेबल करा के आप अपनी फ़ोन की जो कॉल रिकॉर्डिंग रहती है वो ऑटोमेटिक चालू करा सकते हैं, सभी नंबर की ऑटो कॉल रिकॉर्ड चालू हो जाएगी। अगर आप ये नहीं चेक करना चाहते, आप चाहते हो कि आपके फ़ोन के अंदर जो फ़ोन के नंबर सेव नहीं है उनकी कोई भी कॉल रिकॉर्ड हो जाए, तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आकर इसको सेलेक्ट कर देना होगा। तो यहाँ पर आपके फ़ोन में उसी की कॉल रिकॉर्डिंग चालू होगी जो फ़ोन में नंबर सेव नहीं होगा। अब जो फ़ोन के अंदर नंबर सेव है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो आप उसके लिए सेलेक्ट नंबर पर यहाँ पर क्लिक कीजिए, नंबर टू ऑटो रिकॉर्ड पर क्लिक कीजिए। यहाँ कॉन्टैक्ट पे जाके एक एक करके नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपके जहाँ से जो भी नंबर आपने सेट किए होंगे उनकी ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग आपके इस फोन में चालू हो जाएगी। अगर आपको फोन में नंबर सेव नहीं है, अगर आप चाहते हैं उसको ऐड करना, तो इस पर क्लिक कीजिए यहाँ पर ऐड नंबर पर, और कोई भी नंबर को इस तरह से डायल कीजिए और प्लस के आइकन पर क्लिक कर दीजिए, तो इस नंबर की भी आपकी ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी जो कि यहाँ पर आपने ऐड किया।